नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो राठौर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको RBI का जो लक्ष्मी कॉइन है उसके ऊपर हम कुछ आज डिस्कस करेंगे, जो कि करंट मार्केट में अभी हॉट बर्निंग टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, RBI ने 16 सितंबर को ये डिक्लेयर किया था कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडियन गवर्नमेंट का खुद का कॉइन लॉन्च करेंगे, सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी। तो उसके रिगार्डिंग जो करंट न्यूज़ है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो न्यूज़ में आपने सभी ने देखा होगा कि RBI ने जो है ये डिक्लेयर किया है 18 सितंबर को कि हम खुद का एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेंगे, सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी होगा जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा और वो क्रिप्टो करेंसी जस्ट लाइक बिटकॉइन काम करेगी। ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं ये उसी की है। ठीक है, तो RBI का जो लक्ष्मी कॉइन के इसके ऊपर काफ़ी फेक साइड आ रही है जो कि गवर्नमेंट से एफिलेटेड नहीं है, गवर्नमेंट से कोई भी साइट जारी नहीं हुई है, गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है RBI का कि खुद का वो कॉइन अभी लॉन्च कर रहे हैं। जस्ट न्यूज़ आई थी 18 सितंबर को कि हम खुद का लॉन्च करने जा रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी वो लॉन्च करने वाले नहीं हैं। तो किसी ने ये फेक वेबसाइट सॉफ्टवेयर डेवलप किया है लक्ष्मी कॉइन डॉट ट्रेड के नाम से और एक लक्ष्मी कॉइन डॉट LTD के नाम से। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं इस वेबसाइट का जो मैं चीज़ है वो आपको बता रहा हूँ, जस्ट आप इसके ऊपर गौर कीजिए। इस वेबसाइट में टेक्निकली डाटा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट इन्होंने लोगो ले लिया। नीचे देखिए कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स में यहाँ पर ईयर मेंशन नहीं है, नीचे देखिए आप बिल्कुल। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं तो कॉन्टैक्ट अस में इन्होंने खुद की डिटेल यहाँ पर नहीं दे रखी। ठीक है, यहाँ पे आप अपने डिटेल फिलअप करो, इनको सेंड करो, तब वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, करेंगे कि नहीं वो पता नहीं। ठीक है, और ये पेमेंट गेटवे दे रखा है इन्होंने लक्ष्मी कॉइन जो इन्होंने लॉन्च किया है उसको ज्वाइन करने का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो वेबसाइट ओनर है ये जस्ट लाइक यूजर डाटाबेस कलेक्ट कर रहे हैं यूजर्स का। ठीक है, और ये जो दूसरी वेबसाइट आप देख रहे हैं लक्ष्मी कॉइन डॉट LTD, तो इस पर एक्सचेंज दिखाई गई है कि इन एक्सचेंजों में ये लक्ष्मी कॉइन ऑलरेडी आ चुका है, बिट्रैक्स नोवा। तो अभी हम चलते हैं नोवा एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, तो नोवा एक्सचेंज के ऊपर जब हम देखेंगे, और ये जो आप देख रहे हैं माइनिंग, माइनिंग पर अगर हम क्लिक करते हैं तो माइनिंग में सिर्फ इतना ही है, इसका खुद का ब्लॉकचेन भी नहीं है, कॉइन मार्केट कैप में भी ये लग कॉइन लिस्टेड नहीं है अभी, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है, न्यूज़ में भी नहीं आया है, वेबसाइट पर भी नहीं आया, कहीं भी नहीं आया, ये सब फेक है। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो, ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है उसको बनाना इतना आसान नहीं है। जैसा कि आप कॉइन मार्केट कैप में देख रहे हैं, यहाँ पर हम अगर लक्ष्मी कॉइन को सर्च करें तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कॉइन मार्केट कैप डॉट कॉम पर आप देखिए, ये सारी कॉइन मार्केट है जिसमें जितने भी जो कॉइन लिस्टेड है उनकी लिस्ट है ये, जैसा कि आप देख रहे हैं उनका मार्केट कैप, टोटल प्राइस, कैलकुलेटिंग सिंपल, वॉल्यूम और ये ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर हम टाइप करते हैं लक्ष्मी LAXMI। ठीक है, तो लक्ष्मी अगर हम टाइप करेंगे तो लक्ष्मी कॉइन का यहाँ पे लिस्टेड होना बहुत ज़रूरी है, जबकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। LXM टाइप करेंगे तो भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नोवा एक्सचेंज पर। नोवा एक्सचेंज के ऊपर कोई भी कॉइन रजिस्टर्ड कराना आज के टाइम बहुत ईजी है, जैसा कि यहाँ पे ये लिस्ट दे रखी है 5 एक्सचेंज की, उनमें से एक नोवा एक्सचेंज है। ठीक है, नोवा एक्सचेंज डॉट कॉम पर हम कोई भी कॉइन रजिस्टर्ड करवा सकते हैं 4 से 5 BTC नोवा एक्सचेंज को भेज कर, इट इज़ वेरी वेरी ईजी जॉब। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं नोवा एक्सचेंज के ऊपर ये कॉइन का रेट है करंट 4 से 5 रुपये के आसपास है, राइट साइड में आप देख रहे हैं ये सेल रेट है, वो बाय रेट है। यहाँ पर हम टाइप करेंगे LAXMI, लक्ष्मी टाइप करेंगे तो ये यहाँ पे BTC मार्केट में LXM का जो सिंबल है वो आ जाएगा। ठीक है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो उसका जो करंट रेशियो है बाइंग वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। लेफ्ट साइड पे आप बाई कर सकते हैं, अगर आपके पास BTC है तो ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप इस कॉइन की ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो ठीक है, आप 1 से 2 महीने 3 महीने जब तक ये नोवा एक्सचेंज पर कॉइन है और कॉइन का जो रेट का जो फ्लक्चुएशन है उस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है वो कोई डिक्लेयर नहीं है कि बढ़ेगा या घटेगा। नेक्स्ट बिट्रेक्स एक्सचेंज पे हम चलते हैं। बिट्रेक्स एक्सचेंज पर अगर हम देखते हैं, सर्वे करते हैं कि जो वेबसाइट है इस पर इन्होंने बिट्रेक्स एक्सचेंज का नाम भी ले रखा है, यहाँ पर हम लक्ष्मी टाइप करते हैं तो कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, LXM टाइप करेंगे तो भी यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब बिट्रेक्स एक्सचेंज पर ये कॉइन रजिस्टर्ड नहीं है, नोवा एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड है। यहाँ पर अब हम चलेंगे पोलोनिक्स पर, जो इन्होंने वेबसाइट के ऊपर नाम दे रखा है, यहाँ पर
LAXMI टाइप करेंगे तो भी यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, ठीक है, और LXM टाइप करेंगे तो भी कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो वेबसाइट जिसने डेवलप की है वो फेक न्यूज़ डाल रखी है, ओनली सिर्फ एक एक्सचेंज पे इस कॉइन को रजिस्टर करवाया इन्होंने, नोवा एक्सचेंज पर, और उस पर किसी भी कॉइन को रजिस्टर करवाना काफ़ी इजी जो है आज के टाइम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं आपको ये सर्वे दिखा रहा हूँ, नोवा एक्सचेंज का, बिट्रक्स का, पोलोनिक्स का, लक्ष्मी कॉइन जो नया लॉन्च हुआ है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। जस्ट ये गवर्नमेंट की तरफ से ये वेबसाइट बिल्कुल भी नहीं है, ये जस्ट जो भी इसका डेवलपर है उसने गवर्नमेंट का ऊपर लेफ्ट साइड में लोगो ले रखा है, राइट साइड में स्वच्छ भारत अभियान का जो चश्मा है उसका सिंबल ले रखा है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में लॉइन है, राइट साइड में चश्मा है और ऊपर लिखा है स्वच्छ भारत, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वाइन है उसमें आपको कभी भी नहीं जाना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सेफ रहिए और जो लीगली प्रोसेस है वो हम आपको बताएंगे कि आपको क्वाइन कैसे बाई करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वाइन को बाई करने की जो भी प्रोसेस है वो आपको बताई जाएगी, आप अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो इनबॉक्स में डालिए, और जो लक्ष्मी कॉइन के नाम से, RBI लक्ष्मी कॉइन के नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको जो करंट अपडेट है गवर्नमेंट की तरफ से जो